देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए कुछ राज्यों में लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार ने तो राज्यों के लोगों से संपूर्ण लॉकडाउन से बचने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ये कहा था कि वो लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी भी कोई चीज होती है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में लॉकडाउन से बचने के लिए राज्य के लोगों से मास्क पहनने का अनुरोध किया है। हालांकि कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय हैं। आइए जानते हैं किस किस राज्यों में लगाए गए हैं कड़े प्रतिबंध। इन राज्यों और शहरों में लगे हैं लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध। तमिलनाडु, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू को 14 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इस दौरान स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग क्लासेस भी बंद रहेंगी। अमरावती में लगे लॉकडाउन को एक हफ्ते बढ़ाकर 8 मार्च तक के लिए कर दिया गया है। अमरावती में 21 फरवरी को पहली बार प्रतिबंध लगाए गए थे। इस दौरान सभी जरूरी सेवाओं की दुकानें छोड़कर सबको बंद करने का फैसला किया गया था। इसके साथ साथ सभी स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद रखने का फैसला किया गया था। अकोला में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को बढ़ाकर 8 मार्च तक कर दिया गया है। इससे पहले 1 मार्च तक प्रतिबंधों को बढ़ाया गया था। अकोट, यहाँ भी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। 5 से 6 मार्च के बीच यहाँ के हालात की समीक्षा की जाएगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। मुरजीतापुर में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अचलापुर, इस शहर में भी 8 मार्च की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।